तो देहरादून से खबर, जहां तिरुपति प्रसादम विवाद के बाद से एक्शन में धामी सरकार। देवभूमि के कई मंदिरों में प्रसाद की अब जांच होगी। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सभी मंदिर हैं वहां पर भी प्रसाद की टेस्टिंग होगी, सभी जगह के प्रसाद के सैंपल लिए जाएंगे, जांच होगी, ये कहना है सतपाल जी का। इसके साथ साथ आपको बताते कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बीच ही उत्तराखंड के तमाम जो धाम है और जो प्रसिद्ध मंदिर है उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। चार धाम के साथ ही प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद की टेस्टिंग किए जाने का फैसला लिया गया है। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बात कही है कि चार धाम के अलावा बाकी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके प्रसाद भी टेस्ट होंगे, लैब में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी खास बात यह है इसकी कि इस दौरान मंदिर की जो रसोई है, जो मंदिर का परिसर है, यहाँ बनने वाले प्रसाद के लिए इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है उसे भी परखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में जो मिलावट का जो प्रसंग है, प्रसाद के अंदर मिलावट की जो बात आई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप में उसकी जांच हो रही है। हम जांच रिपोर्ट की जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप में हमने यहां भी निर्देश दे दिए हैं। 21 तारीख प्रातःकाल मैंने निर्देश दे दिए थे कि हमारे यहाँ जो पवित्र धामों के अंदर प्रसाद बनाया जाता है उसकी पवित्रता बरकरार रखी जाए और हम सैंपल टेस्टिंग भी करवाएंगे समय समय पर, ताकि पता चले कि प्रसाद की पवित्रता बरकरार रखी हुई है। इसके साथ साथ हमने हिदायत दी है कि हमारे मंदिरों के अंदर और हमारे रसोइयों में जहाँ प्रसाद बनता है वहां पर भी ध्यान दिया जाए और इसकी कड़ी निगरानी रखी जाए। हम लोग सजग हो गए हैं और यहाँ ये पूरी रिपोर्ट के बाद जो प्रसंग तिरुपति में उठा है उसके बाद हम लोग बिल्कुल सजग हो गए हैं और बिल्कुल हम मॉनिटरिंग करेंगे और इसके लिए हमने निर्देश दे दिए हैं। 21 तारीख सुबह ही निर्देश निर्गत हो गए हैं और हम समय पर सैंपल टेस्टिंग कराते रहेंगे। जिन चीजों से प्रसाद बनता है, घी हो गया, केसर हो गया और भी चीजें हो गई, उनकी भी टेस्टिंग होती रहेगी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद विवाद के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड के पर्यटन तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी मंदिरों, सभी धार्मिक स्थलों पर बनने वाले प्रसाद के सैंपल लेकर रैंडम एक चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि किसी भी तरह से प्रसाद में किसी तरह की मिलावट या कोई क्वालिटी से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भगवान में आस्था का सवाल है, प्रसाद भी आस्था की तरह ही होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने विभाग को सभी मंदिरों में जो प्रसाद बन रहा है, किस तरह से प्रसाद बन रहा है, कौन बना रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, इस सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने के आदेश दिए हैं। यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वहां प्रसाद बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।